सो हे गाइज वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने वाले GT5। तो गाइज यार लास्ट वाला पार्ट आपने देखा होगा, उसके अंदर भाई माइकल की मौत हो जाती है। तो माइकल की मौत होने का भी भाई बहुत बड़ा कारण है, बट भाई उस टाइम मौत नहीं होती क्योंकि सही टाइम पर हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाद में उसका भाई इलाज करा करके उसे सही कर देते हैं, क्योंकि भाई 2-3 दिन से माइकल हॉस्पिटल था, फिलहाल अभी घर पर आया है। तो अभी हम फिलहाल जाने वाले हैं भाई लेस्टर के पास में, और जो भी बाकी का प्लान होगा वो मैं रास्ते में आपको बता दूंगा, जो भी होगा। फिलहाल भाई इसका साउंड आपने सुन लिया होगा, हयाबुसा का बहुत ख़तरनाक साउंड है भाई इसका। फिलहाल अभी अपनी तो ये नहीं है, फिलहाल अपन भी हयाबुसा लेने वाले हैं। अभी गई यार अपन जाने वाले लेस्टर के पास में, और भाई उससे पूरी बात बता दें, क्योंकि लास्ट टाइम फ्रैंकलिन को सिखाया था डेविन ने, और डेविन ने सिखाया कि तुम माइकल को जाओ और मार दो, यानी कि उसकी ज़िंदगी लाइफ पूरी ख़राब कर दो, क्योंकि पहले उसने भाई उसकी पत्नी को किडनैप किया था, बाद में उसके भाई घर में आकर उसे फाइट किया था, उसकी बेटी को पकड़ के ले गया, उसके बाद में उसके बेटे जिमी को पकड़ ले गया, और भाई इसी प्रकार यार माइकल के पीछे वो लगा ही था ऑलमोस्ट। तो उसने बोला कि भाई तुम माइकल को है ना मार दो, तो भाई फ्रैंकलिन को भी यानी कि उसने धमकी दी कि अगर तुम माइकल को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम्हारे जो कारनामे हैं वो सब पुलिस के हवाले कर दूंगा, ऐसी वगैरह धमकियाँ देने के बाद भाई फ्रैंकलिन बेचारा क्या ही करता, भाई उसको मारने चला गया। और उस टाइम भाई फ्रैंकलिन मार रहा था, तब यार लेस्टर ने मतलब देख लिया था, और लेस्टर बोला था कि अब जल्दी से जाओ और हॉस्पिटल ले जाओ, और खाली पुलिस बंदे की गाड़ी में ठोक गए। तो फिलहाल भाई हम लेस्टर के घर के पास आ ही चुके हैं, क्योंकि लेस्टर भाई इसी घर में रहता है, आपने देखा होगा। फिलहाल यहाँ पर भाई अपनी मतलब हैकिंग वगैरह यहीं पर करता रहता है। फिलहाल गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो फिलहाल अपनी बाइक को यहाँ पर अभी रोक देते हैं और फिलहाल चलते हैं भाई लेस्टर के पास में, क्योंकि लेस्टर को अब सब प्लान होगा, वो लेस्टर ही एक्सप्लोर करने वाला है, क्योंकि एक गैंग नहीं है भाई, उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी गैंग है, वो ग्रीन गैंग से मिला हुआ है और ब्लैक गैंग है उसे भी मिला हुआ है, और पता नहीं यार डेविन खुद है, और भाई एक और भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, आपको पता नहीं है FIB के बंदे वो भी डेविन के साथ में है। तो फिलहाल भाई उनको भी देख लेंगे, और अब फिलहाल लेस्टर से बात करते हैं, लेस्टर क्या बोलता है। तो फाइनली गाइस यार भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, और भाई अब लेस्टर ने बोला है कि तुम जाओ बंदों से फाइट ले लो, उससे पहले गाइस यार हम अपन करते हैं लामार को कॉल, और लामार को बता देते हैं तुम कहाँ पे हो, कहीं पर बिजी हो, फिर भी हमारे को मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ चलना ही होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं भाई गैंग से फाइट करने के लिए, बहुत गंदी तरह भाई वो गैंग वाले सब पीटे जाएंगे हमारे हाथों से, भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो नहीं बसने वाले किसी भी हालत में। फिलहाल अपनी बाइक लेकर भाई चलते हैं सीधा लामार के पास में, और लामार को बोल दिया है रोड पे रेडी रहना, हम जल्दी से बाइक लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल भाई लामार तो रेडी होगा। तो गई जब बातों में हम आ चुके हैं लामार के पास में, और लामार इधर भाई रेडी था, हमारा वेट कर रहा था, बोला था भाई काफ़ी टाइम लग गया, फिलहाल भाई बाइक से आ रहा तो इतना तो टाइम नहीं लगा, फिर भी टाइम लग चुका। तो अभी लामार को बोलते थे भाई जल्दी से बैठ जा, क्योंकि लेट हो रहा है ऑलमोस्ट, और भाई माइकल से और लेस्टर से सॉरी यार ट्रावर से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि उन बंदों को कॉल कर दिया, वो बोल रहे हैं हम किसी फैक्ट्री में पुरानी, तो तुम वहाँ पे आ जाओ, हम दोनों भी तैयार हैं। तो चलो यार अब जल्दी से चलते हैं उनके पास में, और भाई उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि फिलहाल FIB वालों से भी फाइट चल रही है उनकी, और जो माइकल की पत्नी को लेकर गया उसका भी गुस्सा माइकल उन्हीं के ऊपर निकालने वाला है। फिलहाल अपनी बाइक को भगा दिया और जल्दी से चलते हैं भाई उन्हीं के पास में। तो भाई उन्होंने लोकेशन दिया था इसी फैक्ट्री की, और भाई इसी फैक्ट्री में आ चुके हैं, और फिलहाल भाई वो देखते रहिए अंदर फैक्ट्री के अंदर होंगे। तो अपनी बाइक को यानी यहाँ पे पार्क कर देते हैं, और गाइस जब अपन लामार को बता देंगे तुम भाई यहीं पे रोक लेना, क्योंकि फ्रैंकलिन अंदर जाने वाला, अगर अंदर कोई बार भाई गंदी हरकत होती है, अगर कोई बंदे आते हैं तो लामार को बता दे, तो हमें बता देना, और भाई बाहर से बंदों को टपकाते रहना। तो फिलहाल अपन अभी दौड़ते हुए भाई चलते हैं उनके पास में, और भाई हो सकता है उन बंदों को हमारे बारे में पता ही लग चुका होगा, क्योंकि लेस्टर ने उन्हें बता दिया था कि अब तुम्हारी भाई मतलब अंतिम दिन आ चुका है, ऑलमोस्ट अंतिम घड़िया ही चल रही है, तो जो करना है वो काट देना, हमारे बंदे उसी फैक्ट्री के अंदर। फिलहाल उनको भाई बताते हैं, क्योंकि वो तो भाई पता नहीं सामने खड़े हुए, तो चलो यार चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभी तक उन बंदों को पता नहीं है कि हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, और वो तो बेचारे अरे यार बट यार गलती हो रहा है जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बंदे लड़ रहे हैं अभी, एक दूसरे के सिर पे गन ताने हुए खड़े हैं। तो फिलहाल भाई उनको समझाना होगा ये सब मत करो यार, अब देख सकते हो, और भाई माइकल को भी बता देते हैं कि भाई ये सब मत करो, क्योंकि आज हम भाई जो गैंग है उनको सबको ख़त्म करने वाले, ऑलमोस्ट उनका नाश करने वाले,
तो फिलहाल अगर तुम अगर लड़ाई करोगे तो हमारा साथ कौन देगा, और अकेला भाई फ्रैंकलिन सभी से नहीं निपट सकता, इसलिए भाई तीन चार बंदों की जरूरत है ऑलमोस्ट। तो भाई अभी यार लेस्टर का कॉल आ रहा, लेस्टर बोल रहा है इनसे भी बात कर रहा है कि भाई तुम ये सब मत करो। तो फिलहाल लेस्टर ने बोला कि बाहर बंदे आ चुके हैं, तो भाई भाई सभी जगह बंदों को बैठा दिया, और भाई ट्रावर इधर से मार आए और ना मारे वो बाहर ही होगा। सबसे पहले जो फ्रैंकलिन के साथ में है उनको बाहर ही खड़ा करें, आपको पता ही होगा। और फिलहाल माइकल दूसरी साइड है और फ्रैंकलिन भी माइकल के साथ में, और इधर भाई ड्रावर ने ऊपर ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ से भाई अच्छे खासे बंदों को मार सकता है। और भाई आर्मी वाले बंदे कपड़े पहने हुए तकड़े तकड़े आ चुके, क्योंकि ये FIB वालों का काम है। और भाई इस धुआं ही धुआं, और सब बंदे देखा ही नहीं दे रहे। अबे यार पागल बंदे कहीं भाग रहे जा रहे हैं। तो फिलहाल भी दो तीन बंदों को तो मैंने यहाँ पे टपका ही दिया है, और उधर भी एक दो बंदे तो है भाई, क्योंकि वो बंदे हैं उधर से भाई गोली मारी एक बंदा ये रहा। अरे भैंस की टांग यार खाली मिली, अपने आप को क्या ही समझ रहा है, आई डोंट नो। बट ये बंदा भाई गंदी तरह मारा जाएगा, गया भाई ये भी जा चुका है ऑलमोस्ट। भाई बंदे हैं ना आते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फ्रैंकलिन भाई फिलहाल बाहर भेजते हैं सबको, भाई माइकल और ट्रावर है आराम से संभाल लेंगे। और फिलहाल भाई बाहर जाने के लिए सामने वाला रास्ता है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर सामने वाला अपन रास्ता क्लियर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बंदे अपन को भी टपका दे। इससे पहले भाई सावधानी पूरे, मेरे सामने बंदे एक नहीं चार बंदे है भाई, इन सबको है ना एक भाई आया 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 इसे है ना पहले ही टपका दे दे। बेटा यार तेरा है ना दिमाग खराब करा है, खाली बिली मेरा दिमाग खराब करा रहा है। चलो गई यार यहाँ पे दो बंदे, बट गई यार इन बंदों की क्या प्रॉब्लम भाई, तब तक हेड ना मारो या 10-12 गोली ना मारो तब तक भाई इतने खतरनाक तरीके से इन्होंने भाई ड्रेसेज वगैरह पहनी है कि गोली लगती नहीं है। तो फिलहाल एक बंदा और है उसको भी लगे यार टपका ही दे दे, उसको टपकाने के बाद में अपन चलने वाले बाहर। और बाहर भाई लगा रहे अकेला तो बेचारा क्या ही कर पाएगा, उसकी भी चाहता करनी हुई। तो फिलहाल भाई एक बंदा वो रहा सामने, एक गधा यार लेटा लेटा मार रहा है। अबे पागल यार मेरा दिमाग नहीं है भाई खड़ा हो जाता, बेचारे के पैर पे लगी होगी भाई। उधर से भाई ट्रावर मार रहा है ना, हाँ सही है भाई उधर है ना ट्रावर ही होगा, आज तो ट्रावर। तो फिलहाल अपन अभी बाहर चलते हैं क्योंकि बाहर लामा अकेला, अंदर तो भाई ट्रावर और माइकल दो बंदे वो आराम से इन बंदों को संभाल लेंगे। और बेचारा लमार बाहर अकेला यार, तो लमार टेंशन ना ले भाई मैं आ चुका हूँ ऑलमोस्ट। और भाई जितने भी बंदे अब जितने भी डॉक्टर होंगे उन सबको भाई मारे जाएंगे। फिलहाल ऊपर से एक बंदा है उसको अच्छा खासा कवर मिल रहा है, पहले इसको टपका दे। गया भाई हेड मारा तुम्हारे भाई ने। तो फिलहाल एक बंदा सामने वहाँ पे है भाई, उसको भी अच्छा खासा कवर मिल रहा है। और भाई लमार वो भी गंदी तरह बंदों को टपका ही रहा है। और भाई सामने भी बंदे है, और भी बंदे भर भर के आ रहे हैं, पता नहीं उन बंदों ने कितने भेजे। फिलहाल भाई अंदर से भी बंदे टपका करके माइकल बाहर जा रहे हैं, और बाहर भाई इधर तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही है। तो फिलहाल इस बंदे को पहले टपका देते हैं। फिलहाल भाई ये तो बंदा बेचारा जा चुका है ऑलमोस्ट, और उधर भाई गोलियों के साउंड आ रहे हैं। फ्रैंकलिन मेरे को लगता है भी बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत यानी प्रॉब्लम आ चुका है। बट फिलहाल जितने भी बंदे इधर हैं इन सभी बंदों को भाई टपका ही देते लगे यार, और एक बंदे को टपका दिया और ये बंदे मेरे को मारे। अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई यार। तो फिलहाल एक और है सामने बंदा, और उधर से भाई FIB वालों के बंदे भर भर के भेज रहे हैं। अरे कितने भी भेज लो यार, क्योंकि FIB वाला बंदा भी आज मारा जाएगा, जो मेन हेड है उनका। और गाइस जो भी इनके भाई गाड़ी के अंदर दो बंदे आए थे उन सबको मैंने टपका दिया, ऑलमोस्ट एक बंदा और बचा हुआ है उसको भी टपका दिया था। तो फिलहाल भाई इधर आ चुके और दूसरी साइड, बट इधर भी बंदे हैं ना खत्म होने का नाम नहीं है। जितने भी बंदे भाई भर भर के आ रहे हैं, और भी सामने भी खड़े हैं बंदे, और भी इतने बहुत ज़्यादा बंदे थे और सबको हमने भाई मिलकर टपकाया। तो फिलहाल भाई ट्रावर तो ऊपर की साइड है, ऊपर से भाई कवर दे दे के मार रहा है सभी बंदों को। और मेरे साथ फिलहाल भाई फ्रैंकलिन है, और मैं और फ्रैंकलिन इस साइड से मारे, और उधर भाई गाड़ियाँ देख सकते हो, और एक हेलीकॉप्टर आ गया। अगर भैंस की टांग यार इसकी क्या जरूरत थी। फिलहाल भाई इसको भी है ना ख़त्म करना होगा, अगर इसको ख़त्म नहीं किया तो हमारी खाली पीली बैंड बजा डालेगा। तो मेरे को लगता है कि भाई इसको अंदर आग लग चुकी है, और फिलहाल यहाँ से भी भागो, खाली पीली हमारे ऊपर आ गया ना भाई, जमा ही टपका डालेगा भाई। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा, हाँ भाई उधर साइड में गिरा हो सर भाई, वरना इधर गिरता ना भाई खाली पीली हम मारे जा सकते हैं। बट जितने भी उधर बंदे थे ना भाई वो भी बेचारे उनके टीम के बंदे मारे जा चुके हैं। और फिलहाल भाई अभी तक दो तीन गाड़ियाँ आ रही है, और दो तीन बंदे और बचे, ये बंदे हुए इसकी टांग यार क्या ही समझ रहा है। तो फिलहाल गई यार अब इन सभी बंदों को टपका दिया, और अब कर दिया लेस्टर को कॉल, और लेस्टर को बता दिया, और लेस्टर बता रहा है कि तुमने उन सब बंदों को टपका दिया है। तो फिलहाल अभी हमारी मतलब जो
कमांड होगा वो हमारे को कमांड देता रहेगा, उस कमांड पे हम जितनी भी गैंग है उन सब गैंग के बंदों को मारने वाले हैं, और जो डेविन है उसको गई जा आज के टैप करके उसको भी टपकाने वाले हैं, FIB वाला बंदा है उसको भी गई टपकाने वाले, क्योंकि जो मैं से गई जा वो अभी स्टार्ट हुआ है फिलहाल। पहले तो गई जा नॉर्मल इनके जितने भी यहाँ के बंदे थे उनको सबको टपका दिया था हमने, ऑलमोस्ट अभी अपन चलते है गई जा भाई, हमारे को लोकेशन मिली है तो जो जहाँ पे भाई बंदे हैं तो वहाँ पे अपन जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक गैंग के बंदे हैं, तो फिलहाल अपनी बाइक को भगाते हैं ब्लैक गैंग के बंदों को पहले टपकाने के लिए। तो फिलहाल गई यार हम ब्लैक गैंग के एरिया में आ चुके हैं, गई यार वो बंदे ना हाईवे पे रहते हैं लॉस सैंटोस के किसी एक कोने के अंदर, तो फिलहाल हम इधर आ चुके हैं और भाई बंदे दिख नहीं रहे, लेस्टर ने बोला था यही लोकेशन दिया था, तो गई जो इधर भाई गाड़ियाँ था खड़ी हुई है, बट ये रहे भाई मैं उन तीनों की बात कर रहा, तीनों गाड़ियों के अंदर भाई 5-10-12 बंदे हैं, उन्होंने बोला था लाल भाई गाड़ियों के अंदर बंदे तो हैं, तो कई जो उन बंदों को भाई भनक लगी मेरी जैसे ही वो बंदे तो भाई भाग गए, तो फिलहाल भाई लेस्टर ने बोला है उन बंदों का पीछा करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टपकाना है, हो सकता है कि वो बंदे किसी बड़ी गैंग के पास चले जाए और फ्रैंकलिन भाई इधर अकेला है तो फ्रैंकलिन को भी मारा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल माइकल है वो भी भाई ग्रीन गैंग के बंदों को मारने के लिए भेजा गया है और वो भाई वहाँ पे चला जाएगा, और उससे पहले भाई लेस्टर है सॉरी यार ड्रावर है, तो ड्रावर को भाई जो FIB का मेन हेड है उसको भी टपकाना होगा, पहले जितने भी गैंग के बंदे उनको टपकाएंगे फिर FIB वाले बंदे की गैंग को टपकाएंगे, और उसके बाद में गई यार अपन टपकाने वाले हैं उसको जो मेन इनका मालिक है डेविन ने ये सब काम करा रहा है उसको। फिलहाल भाई एक दो बंदों को जो गोली लगी वो तो बेचारे गाड़ी के अंदर ही है, और भाई गाड़ी भी इतनी ज़्यादा भगा रहे हैं कि मेरे से भाई दूर ही चले गए, तो फिलहाल अपनी बाइक की भी भगानी होगी, वरना एक हाथ से भाई अपन नहीं चला सकते, वरना एक हाथ से मैं चलाता और दूसरे हाथ से गोली मार सकता था, फिलहाल भाई गाड़ी होती तो इनकी मैं खतरनाक तरीके से बैंड बजा सकता था, फिर भी अपन बाइक से भी बैंड बजा के ही रहेंगे क्योंकि अपन हार नहीं मानने वाले किसी भी प्रकार से भाई, आज इनको है ना नामो निशान ही खत्म कर ला, खाली बिल यार हमारे ज़िंदगी बर्बाद कर रहे यार परेशान कर रहे हैं यार, इनके पीछे अपन कब तक रह रहेंगे पता नहीं यार। एक बंदा और आ गया इसके पास में भैंस की टांग भाई, एक गया बेचारा बहुत गंदे, एक नहीं दो बंदे इसी गाड़ी के जा चुके हैं ऑलमोस्ट, तो फिलहाल आगे भी जितने बंदे हैं उन सबको बंदों को मारने की बात मिलते हैं, तो कहीं यार सब बंदों को मार दिया, फिलहाल एक बंदा ये बचा हुआ था इसको भी टपका ही दिया बेचारे को लग गया, तो फिलहाल यहाँ पे जो तीन गाड़ियों के बंदे थे उन सबको हमने टपका दिया था ऑलमोस्ट। अभी कहीं यार हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है क्योंकि FIB वालों बंदों ने भाई रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, क्योंकि हमारे खिलाफ भाई वो गुंडे है लॉस सैंटोस के वो हमारे पीछे पड़े हैं भाई, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बट फ्रैंकलिन को भाई दिमाग बहुत ज़्यादा है, ये तो भाई पहाड़ी वाले इलाके में जाकर छुप जाएगा, बट अभी गई यार माइकल को बोलते तुम ग्रीन गैंग को ख़त्म करो, तो फिलहाल भाई माइकल तो यहाँ पे आ ही चुका था ऑलमोस्ट जब बोला था तब, और इसको कमांड मिलते ही गई यार, क्योंकि उन बंदों को सभी बंदों को अगर अपन टाइम टाइम पे हिसाब से मारेंगे ना तो भाई वो एक साथ सभी बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिलहाल अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो फिलहाल पहले इनके हेड को मारते हैं, बेचारा फुटबॉल का मैच यानी इनकी टीम बना रहा था इसको खाली बिली पहले ही टपका दिया, और इनके बंदे अब भाग रहे हैं इनकी बैंड बज रही, बट फिलहाल भाई अपन है ना और इनके सामने से भाई गाड़ी आ रही, तो अपन है ना यहाँ से आगे से भैया ने बहुत खतरनाक तरीके से कवर लेने वाले, कवर लेके फिर एक एक बंदे को टपकाने वाले, ऐसा तो यानी भाई सामने अगर बंदों के गए तो फिर भाई मारे जाएंगे, और वो बंदे उधर क्या करे भाई मैं तो इधर हूँ, चलो यार वो भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले यार एक दो बंदों को इधर को टपका देते हैं, पता नहीं यार ग्रीन गैंग के भी यहाँ पे कितने बंदे हैं, और ग्रीन गैंग है वो भाई फ्रैंकलिन ने और लाबार ने दोनों ने ज्वाइन कर रखी है, फिर भी क्योंकि भाई ग्रीन गैंग वालों ने उन्हें धोखा दे दिया था, उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारी गैंग में नहीं आएंगे, और भाई इसलिए भाई उनकी ग्रीन गैंग वो पूरी गैंग खरीदी थी, और बट इस बंदे को देखो भाई तेरे को क्या जल्दी है भाई मरने की इतनी भी, और विराट सामने दो बंदे हैं तो पहले इसको टपका देते हैं, और ये भी गया बेचारे, तो भाई यहाँ पे गए और दो तीन बंदे और बचे हुए, तो फिलहाल इनको भी यार लगे यार टपका देते, और गई जो रास्ते में भाई हम अपन कमांड दे देते हैं भाई ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर अभी जाने वाला FIB का जो बंदा है उसे टपका नहीं, क्योंकि भाई रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ के बंदे थे वो तो मैंने टपका दिए, और ब्लैक गैंग के बंदे थे ऑलमोस्ट वो तो उसने टपका दिए थे भाई फ्रैंकलिन ने, और इन तीनों ने सबसे पहले तो भाई FIB के जितने भी बंदे थे उनको भी टपका दिया ऑलमोस्ट भाई, क्योंकि FIB का बंदा है वो तो अब भाई बच नहीं सकता फिलहाल जहाँ पर भी होगा, क्योंकि लेस्टर से भाई ढूंढने का लेगा, तो फिलहाल भाई इधर एक दो बंदे एक हो रहा भाई भैंस की टांग यार कहाँ कहाँ से मार रहे हैं पागल बंदे भाई, गन भी रिलोड पे आ चुकी है, तो फिलहाल वो भी जा चुका, और एक बंदा सामने है बेचारा चुप चुप के मार रहा है, क्योंकि इनके साथ ही पूरे के पूरे मारे जा चुके हैं,
वही ऐसा ना, उसके पास खतरनाक गन और मैं जाऊं पास में मेरी खाली बिली बैंड बजा डाले। उससे पहले गई जा जितने भी यहाँ पे बंदे हैं उन सब बंदों को टपका लिया, एक ही है वजह भैंस की टांग। यार तुम क्या सीखे यार, मेरे सामने फेले यार। अबे यार गया नहीं बेटा, गया तो पहले यार अपन तो यहाँ से निकल लेते क्यों, हो सकता है पुलिस वाले आए हमें पकड़ ले रहा है। तो इससे पहले गई यार बोल देते ड्राइवर को और ड्राइवर को बता देते हैं उस FIB वाला बंदा है भाई उसको तुम टपका दे। ऑलमोस्ट भाई ड्राइवर इधर भी वेट कर रहा था, गाड़ी लेकर पहले ही आ चुका था क्योंकि इधर भाई मेला वेला है और इधर जो FIB वालों का बंदा है वो मेले में जुड़ने के लिए आया और वो कुछ न्यूज़ वगैरह दे रहा। आई डोंट नो वो भाई न्यूज़ में क्या बता रहा होगा, भाई हम जैसे फाइट करें उन्हीं के बारे में बता रहा होगा, आई डोंट नो। बट मैं गई यार जूम करके स्कोप करके एडवांस में आपको बता देता हूँ, वो रहा सामने टकलू। भाई जी टकलू तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा ख़राब बंदा यार, इतना ज़्यादा हरामी मैंने कहीं नहीं देखा। हमसे सारा काम करवाता है, हमें धमकियाँ देता है, अब गोली मार देना। गई यार सही टाइम अगर निशाना चूक गया बैंड बज जाए तो फिलहाल भाई एक गोली मिस हो चुकी है यार। अरे यार दूसरी गोली में मिस नहीं होने दूंगा, खाली गया बेचता रहा भाई। एक गोली तो मिस हो चुकी थी, गई यार दूसरी गोली यार कसम से लग गई, वरना भाई हमारी बैंड बज जाती। भाई यार ये देखो भाई लाइव पूरे शहर में पता चल चुका है कि भाई जो FIB वालों का बंदा है वो मारा जा चुका है। तो फिलहाल अभी है ना अपन गाड़ी लेके यहाँ से भागते हैं क्योंकि लेस्टर बता रहा है कि पुलिस भाई यहाँ चारों तरफ से घेर लिया है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से उतना भागो क्योंकि पुलिस पूरी की पूरी शहर के अंदर अलर्ट हो सकती है, कभी भी पुलिस आ सकती है, पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गई यार अब रावर एन यहाँ से भी भागने वाला है। उससे पहले गई यार भाई रास्ता भी नहीं आगे, तो गई यार अपनी गाड़ी को भाई धीरे धीरे निकालना होगा, कहाँ ही फंस गए थे। गई यार अगर उस सामने वाले रास्ते से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से अगर जाएंगे तो हो सकता है कि भाई पुलिस वाले सामने से रास्ता ब्लॉक हो और हमें घेर ले, तो तब पकड़े जाएंगे, तब पूरे के पूरे राज खुल जाएंगे। और राज तो क्या ही खुलेंगे उनको पता है, वैसे भाई ये तीन चार बंदे यही सब काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी गाड़ी को भगाने का टाइम आ चुका और पुलिस आगे पीछे चारों तरफ भाई पुलिस पीछे, पुलिस का सायरन का साउंड भी मुझे आ रहा है। तो गई यार अपनी गाड़ी यहाँ से भगा दे भाई समुद्र के तट की तरफ ले जाते। अगर भाई समुद्र के तट की तरफ होंगे तो भाई पुलिस वाले वहाँ पर नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो भाई यास के लेकर अपन यहाँ से भाग जाएंगे भाई, कौन सी कोई बात है। अगर वो समुद्र में नहीं आएंगे भाई उनसे मैंने समुद्र में नहीं पकड़ाने वाला, वैसे यहाँ पे ज़मीन पे ही नहीं पकड़ा दिया तो फिर समुद्र में कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ से पकड़ दिया और पीछे भाई पुलिस वाले लग चुके हैं ऑलमोस्ट, और भाई इधर बंदों को पता लग चुका है। मेरे को लगता है भाई ये बंदे हैं ना, हो सकता है पुलिस वालों को बता दे। इससे पहले पहले गई यार अपन को है ना किसी यास्की के पास जाना होगा, वरना भाई पुलिस कभी भी आ सकती है। और भाई उधर ये खड़ी है यास्की तो उसके पास में चल दिया और इधर से भाई पुलिस भी आ रही है। अब यार भैंस की टांग अपनी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है यार, क्या ही बोले। अपनी गाड़ी को है ना गई यार जल्दी गाड़ी में कूद जाता हूँ। और फिलहाल गाइज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गई यार, क्योंकि गाड़ी को है ना मैंने यहाँ पे रोकने के बाद में गई यार नीचे उतरना था, बट गई चलती गाड़ी में घूम गया और गाड़ी हमारी पानी के अंदर है। चलो कोई बात नहीं गई यार, अभी है ना यहाँ से थोड़ा बहुत दूर चलते हैं क्योंकि सामने से भी भाई पुलिस वाले आ रहे, हो सकता है अभी हमें अरेस्ट कर ले। और उनको अभी तक पता नहीं है भाई हमारी जो मेन लाइव लोकेशन है वो, उसको अभी तक पुलिस वालों को अभी तक पता नहीं है। तो ऑलमोस्ट भाई अब तक जो सारा काम वो सही ढंग से हो ही रहा है। फिलहाल अभी अपन चलते हैं भाई कि हमारे को जो बंदा है डेवी ने उसको किडनैप करना है। फिलहाल अपनी यास के लेकर हम बाहर आ चुके हैं, इधर एक ATV खड़ी है तो ATV लेकर भाई चलते हैं भाई कहीं। यहाँ पे पास में ही एक पार्किंग है, पार्किंग में से किसी एक बड़ी अच्छी गाड़ी को ले लेते हैं और उसी गाड़ी से हम जाने वाले भाई डेविन के घर पे। फिलहाल भाई इस यास्की को लेकर मैं नहीं जाने वाला, हो सकता है पुलिस अपनी काली बिली बैंड बजा डाले रास्ते में और भाई इस टकले को गोली मार डाले, काली बिली बेचारा मारा ही जाएगा। फिलहाल अपनी है ना गाड़ी को आगे यास्की को लेकर चलते भाई, इधर सामने वाली साइड के अंदर ही पार्किंग है, वहाँ से हमारे खतरनाक व्हीकल यानी कि जिस प्रकार स्पोर्ट्स कार सुपर कार हम लेना चाहते हैं वैसी कार मिल ही जाएगी। फिलहाल यार यास्की भी यार ये ATV भी ठोक रही है खाली बिल यार। चलो कोई बात नहीं यार, अपनी को धीरे धीरे भगा दे भाई, जल्दबाजी नहीं कर दे। जल्दबाजी में कही जी यार पूरा काम अभी तक सौपट नहीं हुआ है, बट सौपट हो गया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इधर देखो भाई बंदे रनिंग रनिंग कर रहे हैं क्योंकि भाई ये इधर है ना माहौल अच्छा रहता है और ताज़ी ताज़ी हवाएं आती रहती हैं। तो फिलहाल भाई ड्राइवर को भी बॉडी बना ले यार गाइज, कमेंट कर देना यार क्योंकि। और फिलहाल गाइज हम बाहर आ चुके ऑलमोस्ट, यहाँ पे भाई एक गाड़ी खड़ी हुई तो सुपर भाई इसको लेते हैं, इसका नाम मस्टैंग है, GT मस्टैंग। हाँ तो GT मस्टैंग को लेकर अभी हम भगाने वाले GT मस्टैंग के साथ में रेस, और वो भी डेविन के घर तक, क्योंकि रेस में जाएंगे ना भाई फिलहाल जल्दी से पहुंच जाएंगे, हो सकता है भाई पुलिस वाले भी डेविन की रखवाली के लिए आ जाए। फिलहाल भाई अभी तक डेविन को पता नहीं है कि भाई उसका जो मतलब दोस्त है FIB वालों का बंदा वो भी मारा जा चुका है और सारी की सारी गैंग ब्लैक गैंग ग्रीन गैंग
FIB की गैंग, तीनों गैंग जा चुकी। अब बेटा तेरी एक गैंग बची है, तो तेरी गैंग कौन सी बड़ी चीज है यार, उनकी भी गैंग को नाचा यानी कि खत्म करने वाले आज फिलहाल। तब यार माइकल की फैमिली को और माइकल को सुकून मिलेगा। फिलहाल भाई बेचारे की माइकल की फैमिली घर पे नहीं है यार, कहाँ पे आई डोंट नो, बट माइकल बोल रहा है जहाँ पर भी वहाँ पर भी सेफ नहीं है फिलहाल, उनको भी घर लाना है, इसी वजह से हम सब मिलकर कर रहे एक दूसरे के लिए हिस्सा आया था। तो फिलहाल अब जल्दी से भगा दे भाई उनके घर के लिए। तो गाइज यार हम उनके भाई जो देविन का घर है उसके पास नाचक आ गए, और इनका भाई कितना बड़ा घर है आप देख ही सकते होंगे, फिलहाल बहुत बड़ा घर है। और इस बंदे को भी लोगों को लूट रहा है ये बंदा, उसको पता नहीं है पहले भी जो गेट है वो तो लॉक है ऑलमोस्ट। चलो कोई बात नहीं यार, गेट लॉक है तो लॉक रहने देते। और गाइज इधर भाई डेविन है जो नहा रहा है, तो फिलहाल भाई सिक्योरिटी गार्ड है वो भाई, इस यानी कि सात सिक्योरिटी गार्ड है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ज्यादा तो नहीं है। अबे बेटा यार तेरा कच्चा है नहीं, ये उतार के तेरे को पीटेंगे यार। अभी गाइज यार नीचे उतर जाते हैं और लास्ट में बताया जाएगा अभी सात बंदे हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बंदे भाई कहीं और गए होंगे आई डोंट नो। बट भाई ये बुलाएगा अभी किसको, क्योंकि जिन बंदों को बुलाना चाहता था उन सबको भाई हमने ख़त्म कर लिया। फिलहाल अपने अच्छी सी एक गन ले ली, अब जो इसकी बाउंड्री है उसको टॉप के अंदर चलते हैं ना, और भी इन बंदों से मौत करते। तो फिलहाल गाइस एक बंदे को इधर मैंने टपका दिया और एक बंदा सामने भाई, पहले इसको टपका देते लग गया। बेटा यार तुम खा के सांड हो रहे हो, कोई काम के नहीं हो यार, कोई काम के तो है भाई बहुत बड़े। बट फिलहाल गाइस इसका भी हेड लग चुका है ऑलमोस्ट भाई, आगे सामने भी बंदे हैं, मुझे सही मतलब सही देख देख के चलना होगा, वरना काली बिल्ली मेरी बैंड न फेरी। भैया हट जा हट जा, पीछे 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 भाई यार, हो सकता है अभी वो मार ही डाले। अबे यार तेरा भी निशाना क्या है, बेचारा गया गंदी दे। और भाई सामने भाई जो स्विमिंग पूल है उन्हीं के अंदर वो डेविन भाई नहा रहा है भाई। डेविन को पता तो लग गया क्योंकि मेरी बाट लग चुकी है, जो भी है खतरनाक बंदे आए यहाँ पे, और अभी तू भी आ जाए क्योंकि तेरी कमी है, और यहाँ से भाई गोली नहीं जा रही। फिलहाल थोड़ा ऊपर चलते, अबे यार गधे गोली नहीं लग रही है, तो यार ऊपर चलते हैं और ऊपर से भी मार रही है बेचारा, ये भी गंदी दे जा चुका है ऑलमोस्ट। और गाइस एक सामने से आ रहा है भाई, चार पांच छह बंदों को तो मैंने टपका दिया ऑलमोस्ट, दो तीन बंदे और होंगे फिलहाल, उनको भी लगे यार टपका देते। और उधर से डेविन कमांड दे रहा है, तुम मारो मारो क्या मारोगे यार, सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकते। तो फिलहाल बेचारे गंदी तरह हेड लगा आ रहे उसको भी, जो भी जितने भी यहाँ पे जो बंदे थे इनके सिक्योरिटी गार्ड उन सबको मैंने यार कहीं से टपका दिया है। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे और भाई डेविन को बताते हैं, डेविन मेरे साथ चल जा चुपचाप, बट ऐसे नहीं उसको पीट के ले जाएंगे ना यार, ऐसा थोड़ी ये प्यार से ले जाएंगे यार, उसने अच्छा काम किया ना प्यार देंगे। फिलहाल सुबके कहाँ बैठे, अबे पागल यार सुबके इस पेटी के अंदर बैठ गया, अबे तुम भी डरपोक है ड्राइवर, ऐसे मार इसकी बैंड बजा दे यार। तो फिलहाल गई यार उसकी खतरनाक तरीके से बैंड बजा डाली, इसी की गाड़ी में इसी की गाड़ी के डिग्गी में उस बेचारे को पीट कर उसका मुँह इतना गंदी तरह तोड़ा गई यार, फर्स्ट बार ऐसा तोड़ा है मुँह। बट ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा गई यार गुस्से में, अगर सामने भाई पुलिस वाले आ जाए सौ गाड़ी फिर भी उड़ा देगा अकेला। तो फिलहाल अपन अभी गाड़ी लेकर डेविन की गाड़ी, डेविन की डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी के अंदर फिलहाल अभी अपन चलते हैं भाई इसको भाई ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर तो भाई ख़त्म नहीं कर सकते, अगर किसी को पता चला तो भी हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। और उससे पहले गई यार अब उन तीनों को भी बता देते हैं कौन सी लोकेशन है। तो फिलहाल गई हम उसी लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर इस बंदे को टपकाना है, कि अभी तो गई यार धूप हो चुकी है। तो फिलहाल भाई शाम का वेट करते हैं, तो भाई शाम के समय यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और यहाँ पे उसको मार देंगे। फिलहाल यही लोकेशन मुझे अच्छी लग रही है सबसे, और इधर समुद्र में ही फेंक देंगे टप्पा टप्पा के। तो फिलहाल भाई माइकल भी आ चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम उन्हें वेट किया, और भाई फ्रैंकलिन कहाँ रह गया माइकल। तो गई यार फ्रैंकलिन भी आ गया है, ये अच्छा हुआ कि सभी बंदे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब बैंड बजाने की बारी आ चुकी है इसकी, और माइकल देखो भाई वाह यार माइकल ये भी ज़रूरी है। फिलहाल फ्रैंकलिन कहाँ रह गए यार, तो भाई जी ये आ चुका है फ्रैंकलिन। देखो यार तीन भी गुंडे एक साथ हो ना, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिलहाल गई डिग्गी ऊपर कर दे, और इसकी देखो हालत देखो भेजा, इतना मुंह गंदी तरह ड्राव ने तोड़ा भाई, ये सब उनको बता रहे हैं कि तुमने हमारे साथ ये सब किया, अब तेरे को सबक तो सिखाना ही होगा। तो तेरी गई यार एंडिंग आ चुकी है, अब जो करना है वो कर ले। तो माइकल बोल रहा है बाय बाय दोस्त, फिर मिलेंगे, यानी कि दूसरे जन्म में, इस जन्म में तो भाई वो नहीं रहने वाला। तो फिलहाल गाइस जो डिग्गी बंद कर दी और गाड़ी के अंदर एक स्टिकी बॉम्ब लगा दिया है, और अब गाड़ी को कुदाते इस पानी के अंदर और जला करके, यानी कि पानी में जैसे ही जाएगी उसको बॉम्ब को फोड़ देंगे और फिर ये पानी में चली जाएगी। तो गंदी तरह भाई पानी के अंदर चली गई ये गाड़ी, और भाई अब बारी आ चुकी बॉम्ब को
और नहीं गई। तो फिलहाल यार बम को फोड़ दिया है ऑलमोस्ट गई जब, तो भाई जो हमारा काम था वो ऑलमोस्ट कर दिया। अब भाई सुख शांति से जिएंगे। Keep it real.